अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 सेटअप पर अवामिल ऑपरेशंस ऑन सेट्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आप वेरिफिकेशन ऑफ लॉस के बारे में समझ चुके हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर 1 डी मॉर्गन्स लॉ, नंबर 2 वेन डायग्राम। आइए अब हम डी मॉर्गन्स लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ। सबसे पहले हम डी मॉर्गन्स लॉ की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अगर हमें एक यूनिवर्सल सेट U और दो उसके सबसेट्स A और B दिए गए हों, तो डी मॉर्गन्स लॉ के फर्स्ट पार्ट के मुताबिक A सेट और B सेट के यूनियन का होल कम्प्लीमेंट A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट के बराबर होता है, जबकि दूसरे पार्ट के मुताबिक A सेट और B सेट के इंटरसेक्शन का होल कम्प्लीमेंट सेट A के कम्प्लीमेंट यूनियन सेट B के कम्प्लीमेंट के बराबर होता है। यहाँ पर एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि A यूनियन B के होल कम्प्लीमेंट से मुराद U डिफरेंस A यूनियन B है, यानी सेट U के वो एलिमेंट्स जो A यूनियन B के सेट में मौजूद नहीं है। अब हम डी मॉर्गन्स लॉ के फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल में हमें दो सेट्स A और B और तीसरा सेट यूनिवर्सल सेट दिया गया है। सबसे पहले हम ब्रैकेट में मौजूद पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसके लिए हम पहले सेट A को लिखेंगे, इसके साथ यूनियन का साइन लिखा जाएगा और फिर हम सेट B को लिखेंगे। दोनों सेट्स का जब यूनियन लिया जाएगा तो हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब हम A यूनियन B के सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, जिसके लिए हम यूनिवर्सल सेट और A यूनियन B के सेट का डिफरेंस फाइंड करेंगे। दोनों सेट में 1 मौजूद है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मौजूद हैं, जिसकी वजह से दोनों सेट्स का डिफरेंस ये सेट होगा। अब हम डी मॉर्गन्स लॉ के फर्स्ट पार्ट की राइट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। एग्जांपल में हमें दो सेट्स A और B दिए गए हैं, जबकि तीसरा सेट यूनिवर्सल सेट दिया गया है। सबसे पहले हम A कम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं, जिसके लिए हम पहले यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे, इसके बाद डिफरेंस के साइन को लिखा जाएगा और फिर सेट A को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का डिफरेंस हमें ये सेट हासिल होगा, 1, 3, 5, 7, 8, 9 एंड 10। अब हम B कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे, इसके बाद डिफरेंस का साइन लिखा जाएगा और फिर सेट B को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मौजूद हैं, जिसकी वजह से दोनों सेट्स का डिफरेंस 8, 9 और 10 होगा। अब हम A कम्प्लीमेंट और B कम्प्लीमेंट के सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। दोनों सेट्स का जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो इसके कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, यानी 8, 9 और 10, जिससे हमें ये सेट हासिल होगा। अब अगर हम डी मॉर्गन्स लॉ के फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्टेंट सेट और राइट हैंड साइड के रिजल्टेंट सेट को कंपेयर करें तो ये दोनों सेट्स आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब हम डी मॉर्गन्स लॉ के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, जिसकी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें दो सेट्स A और B दिए गए हैं, जबकि तीसरा सेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। सबसे पहले हम A और B सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले सेट A को लिखा जाएगा, इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर सेट B को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स में 2, 3 और 6 कॉमन है, जिसकी वजह से हमें A इंटरसेक्शन B का ये सेट हासिल होगा। अब हम A इंटरसेक्शन B का होल कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट और A इंटरसेक्शन B के सेट का डिफरेंस फाइंड करना होगा। दोनों सेट्स में 2 मौजूद है, 4 मौजूद है और 6 मौजूद है, जिसकी वजह से दोनों सेट्स का डिफरेंस हमें ये सेट हासिल होगा। अब हम A कम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं। A कम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को लिखा जाएगा, इसके बाद डिफरेंस का साइन आएगा और फिर A सेट को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स में 1 मौजूद नहीं है, जबकि 2 मौजूद है, 3 मौजूद नहीं है, 4 मौजूद है, 5 मौजूद नहीं है, 6 मौजूद है और इसी तरह 7, 8, 9 और 10 भी सेट A में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमें दोनों का डिफरेंस ये सेट हासिल होगा।
अब हम बी कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे, इसके बाद डिफरेंस का साइन आएगा और फिर सेट बी को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स में 1 मौजूद है, 2 मौजूद है, 3, 4, 5, 6 और 7 मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमें दोनों सेट्स का डिफरेंस ये सेट हासिल होगा। अब हम ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट के सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम सेट्स को इस फॉर्म में लिखेंगे। दोनों सेट्स का जब यूनियन लिया जाएगा तो हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब हम डिमॉर्गन्स लॉ के सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्टेंट सेट को जब राइट हैंड साइड के रिजल्टेंट सेट के साथ कंपेयर करते हैं तो ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। उम्मीद है आपको डिमॉर्गन्स लॉ की समझ आ रही होगी। इस कॉन्सेप्ट को मजीद समझने के लिए हम डिमॉर्गन्स लॉ की एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3 till 10। एक सेट ए है 2, 4, 6 और सेट बी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। ए सेट लिया, उसका इंटरसेक्शन बी सेट के साथ, यानी कि दोनों में से जो मुश्तरक चीज़ें हैं वो हमने अलग कर लेनी है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास बनेगा 2, 4 and 6। अब ए इंटरसेक्शन बी का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हम उसको यूनिवर्सल सेट के साथ माइनस कर देंगे, यानी कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3 till 10 तक, और उसमें से जब हम ए इंटरसेक्शन बी के आंसर को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट के हिसाब से जो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट हैं वो उसमें से निकल जाएंगे। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हम यूनिवर्सल सेट में से उसके इंटरसेक्शन के आंसर को माइनस करेंगे तो बाकी जो हमारे पास बचेगा 1, 3, 5, 7, 8, 9 और 10। अब हम लोग अलग अलग लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट भी हम उसी तरह लेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से हम लोग माइनस कर देंगे ए सेट के एलिमेंट्स को, और बी कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे बी के एलिमेंट को। तो जब हम ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और यूनिवर्सल सेट जो कि 1, 2, 3 till 10 तक है और आपके सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो 3, 4 and 6 हैं, तो इसका आंसर आपके पास निकलेगा 1, 3, 5, 7, 8, 9 और 10। तो ये आंसर हमें क्या बताता है कि यूनिवर्सल सेट में से जो सेट ए के एलिमेंट थे वो हमने छोड़ दिए और बाकी लिख लिया, तो ये कॉम्प्लीमेंट बन गया। इसी तरह हम बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, यूनिवर्सल सेट में से बी को हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा 8, 9 and 10। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, यानी कि इन दोनों सेट्स को हम इकट्ठा करते हैं तो इसका आंसर बनता है 1, 3, 5, 7, 8, 9 and 10। तो आप दोनों इक्वेशंस को देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल है राइट हैंड साइड की, तो ये डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन यहाँ पे आपका साबित हो जाता है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए यूनियन बी लेते हैं, ए सेट और उसका यूनियन हमने लिया बी सेट के साथ, इन दोनों का आंसर निकला 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। अब हम इसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसको हम यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के आंसर को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 8, 9 और 10। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के जो एलिमेंट थे वो हमने छोड़ दिए, बाकी लिख लिए, तो वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जिस तरह हमने पहले कैलकुलेट किया था कि यूनिवर्सल सेट में से एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट को माइनस करेंगे और फिर ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ और उसका आंसर हमारे पास बनेगा
एट नाइन और टेन। तो आप इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को देखें तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, तो यहाँ पे भी ये डिमॉर्गन्स लॉ आपका साबित हो गया। तो बच्चों अब आपको डिमॉर्गन्स लॉज के सभी कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी, और इनको समझने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? नीचे दिखाए गए ऑप्शंस में से डिमॉर्गन्स लॉज की निशानदेही करें। आप इस सवाल पर गौर करें, हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी हाँ बिल्कुल सही, इसका जवाब है ऑप्शन डी, शाबाश। तो अब हम अपने दूसरे टॉपिक यानी वेन डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स के थ्रू वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। सबसे पहले हम वेन डायग्राम की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अ यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, इट्स सबसेट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, एडजॉइनिंग फिगर इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट थ्रू वेन डायग्राम। अगर हमें दो सेट्स ए और यू दिए गए हों और ए सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो, तो वेन डायग्राम के फॉर्म में उसे इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, डेमोंस्ट्रेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ थ्री ओवरलैपिंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी के सेट्स को किस तरह वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। बी यूनियन सी को हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि ए यूनियन बी यूनियन सी को वर्टिकल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करती है। अब हम देखते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को किस तरह वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। बी इंटरसेक्शन सी को हॉरिजेंटल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को वर्टिकल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये पार्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को वेन डायग्राम के थ्रू किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। बी यूनियन सी को हॉरिजेंटल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को वर्टिकल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। कलर पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को वेन डायग्राम के थ्रू किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। बी इंटरसेक्शन सी को हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को वर्टिकल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद है अब आपको वेन डायग्राम के जरिए ऑपरेशंस ऑन सेट्स यानी सेटों पर अवामिल की समझ आ गई होगी। अब आपसे वेन डायग्राम के मुतालिक कुछ सवाल पूछते हैं। अगर ए यूनियन ब्रैकेट ओपन बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज हो तो इसकी वेन डायग्राम कैसी बनेगी? आप इस सवाल पर गौर करें, हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी हाँ बिल्कुल सही, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रही है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब, वेरीफाई एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज थ्रू वेन डायग्राम। पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉज थ्रू वेन डायग्राम। सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को डिस्कस करते हैं, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल कंसिडर करनी होगी। एग्जाम्पल में हमें तीन सेट्स ए बी और सी दिए गए हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट में मौजूद पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले बी सेट को लिखा जाएगा, इसके बाद यूनियन का साइन आएगा और फिर सी सेट को लिखा जाएगा। जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब हम सेट ए का बी यूनियन सी के रिजल्टेंट सेट के साथ यूनियन लेंगे, जिसके लिए हमें अगेन दो सेट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम सेट ए लिखेंगे, इसके बाद यूनियन का सिंबल आएगा और फिर सेट बी यूनियन सी के रिजल्टेंट सेट को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का यूनियन लेने से हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब हम इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। वेन को यहाँ लिखा जाएगा, टू यहाँ लिखा जाएगा, थ्री यहाँ लिखा जाएगा,
4 को यहां लिखेंगे, 5 को यहां लिखेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 13 की ये पोजीशंस होंगी। अब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड के लिए हमें अगेन एक एग्जांपल कंसीडर करनी होगी। एग्जांपल में हमें तीन सेट्स ए, बी और सी दिए गए हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए ए सेट को पहले लिखा जाएगा, इसके बाद यूनियन का सिंबल लिखा जाएगा और फिर सेट बी को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब यूनियन लिया जाएगा तो हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब हम ए यूनियन बी के रिजल्टेंट सेट का सेट सी के साथ यूनियन फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमें ये दो सेट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम ए यूनियन बी का रिजल्टेंट सेट लिखेंगे, इसके बाद यूनियन का सिंबल लिखा जाएगा और फिर सेट सी को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब यूनियन लिया जाएगा तो हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। इस रिजल्टेंट सेट के एलिमेंट्स को वेन डायग्राम में इस फॉर्म में लिखा जाएगा। 1 को यहाँ लिखेंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 13 की ये पोजीशंस होंगी। अब जब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन की लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम को राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम के साथ कंपेयर करेंगे तो ये दोनों डायग्राम्स आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। इस कॉन्सेप्ट को मजीद समझने के लिए हम इस टॉपिक पर एक बार फिर रिव्यू करते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हमें तीन सेट दिए गए हैं, सेट ए, बी एंड सी, और हमने अपनी डायग्राम पे भी इन सेट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया, ए, बी एंड सी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम फाइंड आउट करेंगे बी यूनियन सी। तो आप बी सेट लिखेंगे और सी सेट लिखेंगे और इनका यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है यूनियन का मतलब होता है टुगेदर, इकट्ठा करना, और जो नंबर डबल है उसको वन टाइम लिखना और अदरवाइज सारे नंबर लिखना। और जो हमारा बी यूनियन सी का आंसर होगा उसका हम यूनियन लेंगे ए के साथ, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो फिर ए सेट यूनियन बी यूनियन सी का जो आंसर आया था उसको हम ज्वाइन करेंगे, तो आप देखें कि एंड पे हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी का जो आंसर बना वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 13, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। तो ए यूनियन बी यूनियन सी जो हमारे पास है वो भी 1, 2, 3 से लेकर 10, 11 एंड 13, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। लेफ्ट हैंड साइड की फिगर और राइट हैंड साइड की फिगर में ये सारे यूनियन सेपरेटली और ऑल टुगेदर आपको शो हो रहे हैं। जी बच्चों, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को समझने के बाद हम इंटरसेक्शन के एसोसिएटिव लॉ को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉज थ्रू वेन डायग्राम। सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को डिस्कस करते हैं, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें एक एग्जांपल कंसीडर करनी होगी। एग्जांपल में हमें तीन सेट्स ए, बी और सी दिए गए हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट में मौजूद पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले बी सेट को लिखा जाएगा, इसके बाद यूनियन का साइन आएगा और फिर सी सेट को लिखा जाएगा। जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब हम सेट ए का बी यूनियन सी के रिजल्टेंट सेट के साथ यूनियन लेंगे, जिसके लिए हमें अगेन दो सेट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम सेट ए लिखेंगे, इसके बाद यूनियन का सिंबल आएगा और फिर सेट बी यूनियन सी के रिजल्टेंट सेट को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का यूनियन लेने से हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब हम इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। वेन को यहाँ लिखा जाएगा, 2 यहाँ लिखा जाएगा, 3 यहाँ लिखा जाएगा, 4 को यहाँ लिखेंगे, 5 को यहाँ लिखेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 13 की ये पोजीशंस होंगी। अब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड के लिए हमें अगेन एक एग्जांपल कंसीडर करनी होगी। एग्जांपल में हमें तीन सेट्स ए, बी और सी दिए गए हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए ए सेट को पहले लिखा जाएगा, इसके बाद यूनियन का सिंबल लिखा जाएगा और फिर सेट बी को लिखा जाएगा।
दोनों सेट्स का जब यूनियन लिया जाएगा तो हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब हम ए यूनियन बी के रिजल्टेंट सेट का सेट सी के साथ यूनियन फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमें ये दो सेट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम ए यूनियन बी का रिजल्टेंट सेट लिखेंगे, इसके बाद यूनियन का सिंबल लिखा जाएगा और फिर सेट सी को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब यूनियन लिया जाएगा तो हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। इस रिजल्टेंट सेट के एलिमेंट्स को वेन डायग्राम में इस फॉर्म में लिखा जाएगा। 1 को यहाँ लिखेंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 13 की ये पोजीशंस होंगी। अब जब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन की लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम को राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम के साथ कंपेयर करेंगे तो ये दोनों डायग्राम्स आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। इस कॉन्सेप्ट को मजीद समझने के लिए हम इस टॉपिक पर एक बार फिर रिव्यू करते हैं। ये लॉ हमें बताता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड, फिर देखते हैं दोनों इक्वल हैं कि नहीं, और साथ साथ हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेन डायग्राम की मदद से। वही सेट हमने रिपीट किए, सेट ए बी सी। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट किया, बी और सी में जो कॉमन था 2 वो हमने ले लिया, फिर हमने उसका इंटरसेक्शन ए के साथ बनाया। ए सेट और बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, ये एम्प्टी सेट बन गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इसके आंसर का इंटरसेक्शन हम लेंगे सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आया 9, 10। अब हम ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, और इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है दोनों सेट्स में, इसलिए एम्प्टी आया। अब आप ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ओपन बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज की वेन डायग्राम की शेडिंग करें। बिल्कुल सही, तो आप वेन डायग्राम की शेडिंग सीख चुके हैं। उम्मीद है आपको डिमॉर्गन्स लॉज और वेन डायग्राम के मुतालिक तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इसको मजीद अच्छी तरह समझने के लिए आप खुद भी इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।